रिशा निजामपुरा सेंटर्स। चलो मिवान, मिवान हम मिवान को पिन करेंगे। मिवान चलो आप दोनों में से मिवान कौन है हाथ ऊपर करो। मिवान आप दोनों में से मिवान कौन है? दोनों मिवान ऐसे करो, मिवान है वो ऐसे करेगा, चॉकलेट खा रहा है वो मिवान है, मिवान है चॉकलेट खा रहा है वो भी। और वन मिनट मैं करवाती हूँ। ओके इशू मैम मिवान को पिन कीजिए प्लीज। मिवान बोलो जिसका बर्थडे है उसको पिन करिए। ओके चलो पहले तो मिवान के आपको मैडम आपको आपको ऐसा कार्ड देंगे कि आपके लिए है बर्थडे कार्ड। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू चलो मिवान के लिए हम एक सॉन्ग बजाते हैं। मिवान आपके लिए स्पेशल ये सॉन्ग है। ओके चलो सबको शांति से मिवान को बर्थडे विश करना है। ओके वन मिनट बर्थडे सॉन्ग बजाना पड़ेगा ना मिवान के लिए। ओके मीका मैम एल, वेरी गुड, राइटिंग एल करनी है ना। ओके चलो वन मिनट हम एक मीवान आपके फ्रेंड के लिए एक सॉन्ग बजा लेते हैं हैप्पी बर्थडे का। और जब आप सबकी भी बर्थडे आएगी ना तो मैम आपको हैप्पी बर्थडे ऐसे ही विश करवाएंगे। ठीक है तो आपको भी मुझे बताना पड़ेगा क्या आज मेरा बर्थडे है और मैं आपके फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट भी लानी पड़ेगी। हाँ फिर ओके चलो एल एल सीखेंगे राइट। तो एल कैसे लिखोगे? पहले एल पहले हम एल लिखने के लिए क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन करेंगे। फिर जहां स्टैंडिंग लाइन का एंड है वहां से हम एक स्लिपिंग लाइन करेंगे तो क्या बन गया? एल। एल के लिए हम क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन। और एल फोर क्या होता है? लंगड़ा। एल फोर लोटस। एल फोर
लोटस, ल ल लोटस क्या होता है, ल ल लोटस। एल से ल, एल से ल, आपकी जो टंग है उसको टीथ के ऊपर टच करनी है, एल से ल, राइट। फिर एल फॉर लेमन, खट्टा मीठा, खट्टा होता है ना खट्टा खट्टा, फिर मम्मा जूस बनाती है उसके अंदर शुगर डालती है, सॉल्ट डालती है, तो वो जूस कैसा हो जाता है, लेमन का खट्टा मीठा। और लेमन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा खट्टा, है ना, उसको आपको बहुत एनर्जी मिलती है ना। फिर एल फॉर क्या, कौन सा एनिमल आता है एल फॉर, किंग ऑफ द जंगल लायन, उसका स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। एल कैसे है, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, और एल के पीछे कौन सा एनिमल है, लायन। लायन कैसे बोलता है, लायन कैसे करता है ना, तो एल फॉर लायन। आपको एल कैसे लिखना है, ये रहा आपको बुक के अंदर, ये थ्री लाइंस के अंदर एल लिखना है, वन लाइन टू, थ्री लाइन को टच करना है और थोड़ी स्लिपिंग लाइन करनी है ना। तो मैं अगेन वापस बताती हूँ एल कैसे लिखते हैं, फिर आपको बुक के अंदर लिखना है, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन। अगर आप लाइन बोलते जाओगे ना, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, तो आपको जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये ग्रीन कलर की जो बुक है ना, वर्कबुक, ग्रीन कलर की बुक है, सबके पास ग्रीन कलर की बुक है ना, वो निकालो, उसके अंदर आपने लास्ट स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन किया है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, उसके अंदर क्या है, लीफ, एल फॉर लीफ। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, पेरेंट प्लीज बच्चों को पहले हम करवाएंगे ये वाला, उसमें जो एरो दिया है उससे ही हम जाएंगे। तो क्रेयॉन्स करने हैं यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन में, फिर स्लीपिंग लाइन में, स्टैंडिंग लाइन और कंटिन्यू, उसमें एरो दिया है कैसे लिखना भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कलर करेंगे, लिफ्ट में कलर आप बाद में कर लेना, एल के, ये बड़ा वाला एल के बाद हम छोटा वाला एल जो है ये वाला वो लिखना शुरू करेंगे, राइट। ये आप थोड़ा लिखोगे तो आपको स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन कलर ही कर, उसके अंदर कलर करना है। बच्चों का फेवरेट कलर, जिसको जो भी कलर लेना है वो आप ले सकते हो, ओके। और उसके बाद एल लिखना है, चलो 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 स्टार्ट कर दो अभी लिखना, मैं सबको देख रही हूँ कौन कौन लिख रहा है। पहले बड़े वाले एल में हम कलर करेंगे, ओके। क्रेयॉन भी हमें स्टैंडिंग लाइन से ही करनी है, देखो मैं भी करती हूँ आपके साथ कलरिंग, चलो। ये मैंने बना दिया आपके जैसा बड़ा वाला एल, राइट, तो मुझे भी ऐसे कलर करना है एल। स्लोली स्लोली, बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा तो कलर हो गया, मेरे बच्चों का भी फटाफट हो जाएगा। देखो आप कलर करोगे ना तो ये एल ऐसा बन जाएगा बच्चा, वेरी गुड। चलो मैं सबको देख रही हूँ, हाँ शाविका कर रही है, लेशा, ध्रुवा, दुर्वा, ब्रिहान, वेरी गुड, मीवा। क्लास वर्क अभी खत्म हुआ और होमवर्क, तो आज का होमवर्क है आपका ये वाली बुक, आज हम फर्स्ट टाइम निकालने वाले हैं, ये वाली बुक सबके पास होगी, प्लीज मुझे दिखाइए। इसको हम प्रैक्टिस बुक बोलते हैं, ये प्रैक्टिस बुक है, राइट, सबके पास है, बैग लेकर बैठना है सबको। तो ये प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको आज का होमवर्क है, पेज नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 1 में है स्टैंडिंग लाइन, ओके, और 2 में है अल्फाबेट एल, जो आज आपने वर्कबुक में लिखा है, ओके। तो फर्स्ट पेज आज खत्म कर लेना और सेकंड पेज कल करना, तो 2 दिन हो गए ना आपके लिए, ओके।
सब लोग करोगे ना, प्रॉमिस करो कि हाँ मैम मैं करने वाली हूँ। ये होमवर्क की नोटबुक है, प्रैक्टिस बुक है ये, उसको हम प्रैक्टिस बुक बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बुक के अंदर पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 आपको लिखना है। पेज नंबर 1 पे है स्टैंडिंग लाइन और 2 में है अल्फाबेट एल, ल लायन। वेरी गुड। हाँ चलो, अभी एल का वीडियो देखना है ना सबको, ल लायन। वाह वाह वाह, अभी तो आप मुझे सिखाओगे है ना, ल लायन, ल लायन। ओके चलो, अभी हम लेटर एल का वीडियो देख ले। आपके लिए रोज देखिए देखते आऊंगी। अभी म्यूट कर दो, चलो सब लोग म्यूट हो जाओ, नहीं तो वीडियो नहीं सुनाई देगा आपके फ्रेंड को और आपको भी। ओके चलो, ओके चलो, शांति से देखना है सबको। हाँ Is for lady, lady. मैम थोड़ा वॉइस ज्यादा हो सकता है? हाँ मैडम। L is for lion, वॉइस मारो फुल से। Lion. L is for large, large. L is for lady, lady. L is for laugh, laugh. L is for ladder, ladder. L is for lips, lips. L is for lemon, lemon. L is for lamp, lamp. L is for lesson, lesson. L is for lovely, lovely. L is for lazy, lazy. L is for laugh, laugh. ओके चलो, आपको जो भी लेना है ले सकते हो। और ब्लू कलर, वाटर कलर, राइट। कल हम दो व्हीकल बनाएंगे, बोट एंड एरोप्लेन। एरोप्लेन अप इन द स्काई, एरोप्लेन बनाएंगे कल। ठीक है चलो, तो अभी सब लोग खड़े हो जाओ, हम नेशनल एंथम करेंगे। एवरीबॉडी स्टैंड अप। अच्छा स्ट्रेट खड़ा रहना है, वेरी गुड। स्टार्ट करें चलो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, नव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, वंदे मातरम।